Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start unit number 18, that is comparison of adjectives. Now, what was adjective? The qualifier of a noun, any word that qualifies your noun, jo ki aapki noun ko ki quality batata hai, usko aap kya kehte hain? Hum noun nahi bolenge, hum subject bolenge. Wo adjective hai. For example, this watch is expensive. Now, watch is your subject. Or watch kya hai? Ab ye watch ki quality bata raha hai ki mehengi hai. It's expensive. Theek hai? Next sentence mein dekhen, this watch is more expensive. Ye zyada expensive hai. Ye watch zyada expensive hai. This watch is most expensive. Ab yahan par dekhne wali cheez ye hai. Expensive, more expensive, most expensive. Ab ye expensive ka matlab hai mehenga. More expensive or most expensive hum kab istemal karte hain. Inko hum, ye comparisons of adjective hai, theek hai? Inko hum kehte hain degrees of adjective. Jis tarike se, yani ke sabse pehle agar, for example, agar main sirf kisi ek noun ki quality bayan karungi to main uske liye sirf uski koi bhi uska adjective keh dungi. For example, jaisa yahan pe kaha, ab sirf ek watch hai, is watch ke bare mein baat ho rahi hai, this watch is expensive, is watch ke bare mein hai to bataiye ki ye watch mehengi hai. Agar main is watch ko aur is watch, in dono ko compare karungi to main kahungi ki this watch is more expensive, ye wali ghadi zyada expensive hai. ठीक है, अब अगर मैंने इस वॉच को, अब मैंने इन सब में से जब बताना है कि सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी है, तो फिर मैं वहाँ पे this watch is most expensive इस्तेमाल करूँगी. ये जो आपके पास, जब आपके पास सिर्फ एक आप क्वालिटी को बयान कर रहे होते हो, सिर्फ एडजेक्टिव किसी एक नाउन का बताते हो, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव. ठीक है, अगर आप किसी भी दो चीज़ों को, जब यानी कि जब आप एक बात को कंपैरिजन में, दूसरे के कंपैरिजन में कह रहे होते हो, कंपेयर कर रहे होते हो, मुकाबले में कह रहे होते हो, तो फिर हम लगाते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, जिस तरह यहाँ पे है मोर एक्सपेंसिव. ठीक है, और अगर आपने सब हिस्से में, सब में से जो एक आपने कुछ, मतलब काफ़ी सारों में से एक को सेलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आप सुपरलेटिव, सुपरलेटिव सबसे अलग जो है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो सुपरलेटिव एडजेक्टिव, जो कि है मोस्ट एक्सपेंसिव. अब फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ वॉच की जगह दिस वॉच इज़ ब्यूटीफुल, अगर मैंने सिर्फ बताना है कि जो वॉच है ये प्यारी है, मैं कहूँगी दिस वॉच इज़ ब्यूटीफुल. अगर मेरे पास दो वॉचेस हैं और मैंने उनमें से बताना है, तो मैं किसी एक वॉच को कहूँगी, अब मैं दो वॉचेस हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो में से बताना है कि कौन सी ज़्यादा प्यारी है, तो मैं कहूँगी दिस वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल. ठीक है, अब मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो मैंने मोर, सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं कहा, मैंने मोर ब्यूटीफुल कह दिया. अब मेरे पास तीनों, अब ये जितनी सारी मेरे पास वॉचेस हैं, इनमें से मैंने कोई एक बतानी है कि सबसे ज़्यादा प्यारी कौन सी है, तो मैं कहूँगी दिस वॉच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल. ठीक है, और यहाँ पे दा भी लगेगा, दा हमने पढ़ा था ना कि हम जब किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं तो हम उसके पीछे दा लगाते हैं, तो ठीक है, किसी ख़ास चीज़ के पीछे दा लगता है. तो अब जब मोस्ट एक्सपेंसिव है या मोस्ट ब्यूटीफुल है, सबसे प्यारी है, तो कोई चीज़ ख़ास है ना, तो उसके पीछे हम दा भी लगाते हैं. ठीक है, वी यूज़ एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग्स. वी कैन यूज़ एडजेक्टिव टू कंपेयर पीपल और थिंग. ठीक है, हम सारे कामों के लिए कर सकते हैं. वी यूज़ कंपेरेटिव फॉर्म. अब दोबारा एडजेक्टिव हम क्या करते हैं, किसी एक नाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, या फिर हम किसी दो नाउन्स को आपस में कंपेयर करके बता रहे होते हैं. इसमें हमारे पास, जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव फॉर्म लगाते हैं. जब हम दो लोगों को या दो चीज़ों को जब कंपेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव फॉर्म लगाते हैं, जिस तरह ये मोर एक्सपेंसिव है. और जब हमने दो से ज़्यादा, ठीक है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी एक चीज़ को स्पेसिफाई करना होता है, तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव फॉर्म लगाते हैं, जिस तरह मोस्ट एक्सपेंसिव. ठीक है, एन एडजेक्टिव कैन बी, अब एडजेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, या तो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव. जिस तरह ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करोगे तो आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव लगाओगे, और जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में होगा तो आप उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगाओगे, जिसको आप, जिस तरह यहाँ पर मोस्ट एक्सपेंसिव है. ठीक है, सो
हम इसकी एक्सरसाइज कल इंशाल्लाह करेंगे. अल्लाह हाफिज़.